कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे। आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी और सुंदर चीज़ के दर्शन कराने जा रहे हैं, जो कि ठाकुर जी की होली में सबसे ज़रूरी होती है, जिसको हम बोलते हैं फूलों की छड़ी। ये देखिए, एक स्टिक में मैंने हर तरह के फूल पिरोए हैं। देखिए, पीला फूल, वाइट फूल, आप हर तरह के फूलों को पिरोकर ठाकुर जी के लिए एक छड़ियाँ बनाइए। और इन प्यारी प्यारी सुंदर छड़ियों से हमारे ठाकुर जी होली खेलते हैं। होली पे ये स्पेशल होता है और ये ठाकुर जी के लिए स्पेशल छड़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि ठाकुर जी होली खेलते हैं। और ये छड़ी इसलिए बनाई जाती है कि ठाकुर जी का बाल रूप होता है और उन्हें कभी भी, या राधा रानी हमारी इतनी कोमल हैं, वो कमल से भी, उनके जो पैर हैं वो कमल से भी वो हैं कोमल, तो इसलिए हमें ऐसी छड़ियों से हम ठाकुर जी को खिलाते हैं अपने होली, ताकि उनको कोई चोट ना लगे। और आप हमेशा होली खिलाते हुए ये ध्यान रखिए कि आपने उनको गुलाल से सरोबार नहीं करना है, जैसे कि हम लोग गुलाल अपने मुंह पर लगा लेते हैं या लोगों के मुंह पर लगाते हैं, ऐसे हमें गुलाल नहीं लगाना, सिर्फ उनके गालों पर हल्का हल्का लगाना है। और मैं आपको लड्डूमार होली, जलेबी होली और लट्ठमार होली और नॉर्मल होली, सारी होलियों के मैं दर्शन करवाऊंगी आपको। ये हमारी होली की तैयारी है और आपको ये एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ है, जो कि मैंने अपने ठाकुर जी के लिए बनाई है। तो मैंने इसलिए कहा कि ये सबको दिखाना चाहिए कि ठाकुर जी हमारे कितने कोमल हैं और वो किस तरह से फूलों की छड़ियों से खेलते हैं। तो मैं आपको होली के उपलक्ष्य में ये दर्शन कराने जा रही हूँ। आप भी अपने अपने ठाकुर जी के लिए छड़ियाँ, प्यारी प्यारी छड़ियाँ बनाइए और इसी से ठाकुर जी लट को आप में लट्ठमार होली का दर्शन जो होगा इन्हीं छड़ियों से होगा। और देखिए, मैंने अलग अलग कलर की चार छड़ियाँ बनाई हैं, एक गुलाब की है, एक गेंदे की है और एक सनफ्लावर की है। ये अलग अलग फूलों से मैंने छड़ियाँ बनाई हैं, जो कि हमारे ठाकुर जी जब होली होगी, जो होली का दर्शन होगा, वो इन छड़ियों के साथ ही आपको हमारे ठाकुर जी होली का दर्शन देंगे। और मैं अगली वीडियो में आपको एक और चीज़ भी बताऊंगी कि वो चीज़ क्या है, और बहुत ज़रूरी होती है वो, ठाकुर जी के जो होली उत्सव होता है उसमें वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, और हमें उस चीज़ को ज़रूर उन्हें होली उस तरीके से खिलानी चाहिए, ताकि ठाकुर जी भी अपनी होली का आनंद ले सकें और हम लोग भी होली का आनंद ले सकें। क्योंकि ठाकुर जी को हम पानी से होली नहीं खिला सकते, मौसम ठंडा है और वो एक छोटे से लाला है, इसलिए हमें उन्हें फूलों से और नॉर्मल तरीक़ों से होली खिलानी है। और आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुंज बिहारी श्री हरदास राधे राधे।